द्योतक्रीड़ा अर्थात जुए ने केवल मनुष्यों को ही बर्बाद नहीं किया अपितु इसकी चपेट से भगवान भी बच नहीं पाए। महाभारत काल में पांडवों को द्योत के खेल में अपना सब कुछ हारना पड़ा तथा अपनी पत्नी पार्वती के साथ भगवान शिव को भी इस खेल में सब कुछ गवाना पड़ा था। कदाचित इन्हीं कारणों से सबक लेकर हमारे बड़े बुजुर्गों ने हम सबको द्युत को खेल नहीं एक बुराई के रूप में बताया है। द्युत के कारण उस काल से लेकर इस काल तक कई परिवार बर्बाद हुए हैं, नष्ट हुए हैं। इसे कभी भी एक खेल के रूप में नहीं देखा गया क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लाभ कमाना और षड्यंत्र जैसे कृत्य शामिल होते हैं। द्युत के कारण भगवान शंकर को अपना सब कुछ हारना पड़ा था तथा उन्हें श्राप भी मिला था। आज हम जानेंगे कि भोलेनाथ किसके साथ द्युत खेले और उन्हें क्या श्राप मिला। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ द्युत खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के पश्चात भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय को जब सारी बात पता चली तो वो माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए और इस बार खेल में पार्वती हार गई तथा कार्तिकेय भगवान शंकर का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। उन्होंने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मातृभक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर माता पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गया। इधर भगवान विष्णु भोलेनाथ की इच्छा से द्युत का पासा बन गए। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। यदि तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी। वो बोली, अभी आपके पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ लगातार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के पश्चात गणेश जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ अवश्य है। उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर सदैव रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को माता पार्वती ने श्राप दिया
कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा, तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। अंत में माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी सदैव बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। इस प्रकार द्युत के कारण भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए थे, तथा माता पार्वती ने भोलेनाथ भगवान विष्णु रावण और कार्तिकेय को श्राप दे दिया था। हर हर महादेव।